हेलो बच्चों बच्चों, घर से पढ़ाओ अभियान में हमारा आज का विषय है ऋतु। आज हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋतु क्या होती है? जब हमारे वातावरण में वायु, ताप, नमी और वर्षा के कारण कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं, ऋतु या मौसम। इसे हम अंग्रेजी में सीजन भी बोलते हैं। वैसे तो सब देशों में सीजन, ये ऋतु चार होती हैं, परंतु भारत में, हमारे देश में यह ऋतुएं छह होती हैं। देखिए कौन कौन सी: शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु को शिशिर ऋतु या अंग्रेजी में विंटर सीजन बोलते हैं। आपको पता है सर्दी में कैसा मौसम होता है? ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है, वातावरण कितना ठंडा होता है और हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जैसे जर्सी, स्वेटर, मोजे, जूते वगैरह। और कई बार तो ठंड इतनी होती है कि हमें ड्रेस डबल पहननी पड़ती है और हम दिन में भी आग जलाकर ताप सेकते हैं। इसके बाद देखिए वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन कहते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा या ऋतुराज भी बोलते हैं। इस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। पतझड़ के बाद आने वाले वसंत के मौसम में फूलों पे कलियाँ खिलती हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पेड़ पौधों पर हरी हरी पत्तियाँ जाती हैं, मौसम में हरियाली छा जाती है। इस मौसम में मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है ग्रीष्म या गर्मी की ऋतु। इसे हम समर सीजन बोलते हैं। समर सीजन, गर्मी में पता है आपको तापमान कितना गर्म होता है, दिन में कितनी गर्मी पड़ती है, गर्म गर्म लू चलती है और कितना पसीना आता है और हमारा ठंडा खाने का मन करता है जैसे कुल्फी, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और इस मौसम में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। इन दिनों दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसके बाद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को रेनी सीजन कहते हैं। इसे मानसून भी कहते हैं। भारत के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनमें जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वायु में नमी आ जाती है। इस मौसम में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। यह मौसम जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। इस मौसम में कौन कौन से त्यौहार आते हैं पता आपको? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज। और इन त्यौहारों पर हम क्या करते हैं? नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए बहुत सारे पकवान बनाते हैं, झूला झूलते हैं, है ना। पतझड़ के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु को हम ऑटम सीजन भी कहते हैं और पतझड़ ऋतु भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे पर जो हरे भरे फूल पत्तियां होती हैं वो थोड़े थोड़े पीले हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है और ठंड थोड़ा सा ठंडा ठंडा और बहुत अच्छा मौसम होता है। और विजयादशमी, दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहार भी इसी मौसम में आते हैं। इसके बाद है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु को प्री विंटर सीजन कहते हैं। प्री विंटर सीजन यानी सर्दियों की शुरुआत। तो नवंबर और दिसंबर के महीनों में मौसम में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और लास्ट के महीने तक आते आते बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अच्छा बच्चा, आपने देखा ये ऋतुओं के बारे में। अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है वर्ष में 12 महीने होते हैं और हमारी 6 ऋतुएं हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। हर यानी हर 2 महीने के बाद ऋतुओं में, मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो ये ऋतुएं कौन कौन सी हैं? देखिए, शीत ऋतु। शीत ऋतु है जनवरी और फरवरी के बीच में जो ऋतु आती है उसे हम शीत ऋतु, विंटर सीजन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। इस ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा या ऋतुराज भी कहते हैं। इस मौसम में ना सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और मौसम में बहुत हरियाली सी छाई रहती है, पेड़ पौधों पर हरे भरे पत्ते, फूल, कलियां खिलती हैं। उसके बाद है ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु। इसे हम अंग्रेजी में समर सीजन कहते हैं। यह ऋतु मई और जून के बीच में आती है। इस ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है और हम सूती वस्त्र पहनना शुरू करते हैं। मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। चौथे नंबर पे है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन।
यह जुलाई और अगस्त के महीने में आती है। आजकल कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। इस मौसम में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी आदि। शरत ऋतु। शरत ऋतु ऑटम सीजन, पतझड़ की ऋतु। यह सितंबर और अक्टूबर के बीच में आती है। पेड़ पौधों के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में गर्मी कम होती है। और उसके बाद हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु को प्री विंटर सीजन कहते हैं। सर्दियों की शुरुआत यह नवंबर और दिसंबर के बीच में आती है। ठीक है बच्चों, आज हमने हम ऋतुओं के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा यह हमारी वीडियो? आपको कैसे लगी?